तो दोस्तों सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इस बार सैमसंग एक नई सीरीज लेके आया है, वो है F सीरीज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है F41। और इस वीडियो के अंदर मैं इस फ़ोन को करने वाला हूँ अनबॉक्स, आपको इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊँगा और बाकी सारी डिटेल्स के बारे में, आपको इसके कैमरा सैम्पल्स के बारे में भी बताऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपको फ़ोन कैसा लगा वो भी मुझे बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ऐसे वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है रेड बटन दबा के, और उसके बाजू में आपको बेल आइकन दिखाई देगा उसे भी दबा दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है सैमसंग गैलेक्सी F41 और इसको मैं करने वाला हूँ अनबॉक्स। बॉक्स सील पैक्ड है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर फीचर्स भी लिखे हुए मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 6000 मिली एम्पर की बैटरी मिलती है, 15 वॉट्स का फास्ट चार्जर भी इसमें आता है, और हाँ इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं फुल HD प्लस सुपर एमोलेड है यहाँ पर, और तीन कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है यहाँ पर। तो चलिए अब बॉक्स में देखते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन दिया गया है सबसे ऊपर टॉप साइड पर। फ़ोन की डिज़ाइन हम देखते हैं आगे, फ़ोन कुछ इस तरह का मिल जाता है आपको बॉक्स के अंदर, इसे हम आगे देखते हैं। पहले बॉक्स में और क्या क्या मिल जाता है वो देख लेते हैं। तो ये है फास्ट चार्जर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सिंबल दिया गया है। इस तरफ देखें तो इसकी जो रेटिंग है यहाँ पर 9 वोल्ट और 1.67 एम्पीयर, तो 15 वॉट्स का चार्जर है ये। USB केबल दिया गया है यहाँ पर जो है टाइप सी से टाइप ए है, टाइप सी टू टाइप सी नहीं दिया गया, टाइप ए पोर्ट दिया है USB का। तो कुछ इस तरह का है चार्जर, और कुछ खास नहीं है बॉक्स के अंदर, इस तरफ तो खाली है। और बॉक्स के इस तरफ देखें सैमसंग जो है वो बॉक्स के इस तरफ भी एक अलग से दूसरा छोटा सा बॉक्स देता है जिसमें आपको केस वगैरह सब चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर बिल्कुल केस तो नहीं है इस बॉक्स के अंदर, कुछ यूज़र गाइड से वारंटी कार्ड दिया गया है और एक सिम ट्रे इजेक्टर पिन दी गई है, यहाँ पर केस नहीं मिलता। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन को। इसके बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया गया है वो है पॉलीकार्बोनेट, यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, ग्लास डिज़ाइन नहीं मिलता है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर साइड से कर्व है, तो ये पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। फ़ोन की जो साइज़ है वो है 6.4 इंच, और इसका जो थिकनेस है वो है 8.9 mm। तो ये फ़ोन जो है वो स्लाइटली स्लिम रहेगा, 8.9 mm है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड, उसके साथ आपको जो रेजोल्यूशन मिलता है वो है फुल HD प्लस। इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। आपको यहाँ पर टॉप साइड पर इन्फिनिटी यू नॉच देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है इस प्राइस के अंदर। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो वो आपको बैक साइड पर मिलता है, स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलता है। साइड्स की बात करें तो यहाँ बॉटम पर आपको देखने को मिल जाता है एक USB टाइप सी पोर्ट, लाउड स्पीकर है यहाँ पर, एक माइक्रोफोन भी दिया गया है और 3.5 mm का जैक है। टॉप साइड पर एक और माइक्रोफोन दिया गया है, और राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक पावर बटन और वॉल्यूम कीज है, और लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक सिम ट्रे है जिसके अंदर ड्यूअल सिम स्लॉट दिए हैं और एक microSD स्लॉट अलग से। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल स्लॉट वाली सिम ट्रे मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरास की। तो यहाँ पर बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। जो ट्रिपल कैमरा है उसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है इस सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा जो बाकी दो कैमराज है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, और दूसरा है 5 मेगापिक्सल जो डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का।
अब हम बात करें इस फ़ोन के कैमरा इंटरफेस की, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो कैमरा इंटरफेस है वो किस तरह का मिलता है। तो ये है इसका कैमरा इंटरफेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर तो वीडियो मोड दिया है, मोड में जाएंगे तो आपको और भी सारे मोड्स मिल जाते हैं। सुपर स्लो मोशन मिल जाता है यहाँ पर, आपको नाइट मोड भी मिलता है, प्रो मोड मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर और दो फीचर है, बिक्सबी विजन एआर इमोजी भी है। वीडियो मोड की बात करें तो यहाँ पर आपको सुपर स्टडी मोड मिल जाता है। यहाँ पर जो सुपर स्टडी मोड है वो वीडियो को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। इसके अलावा जो वीडियो मोड है वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी सपोर्ट करता है। अगर हम वीडियो मोड की बात करें आगे, तो यहाँ पर वो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है USD, तो यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है ये फ़ोन। और फ्रंट कैमरा में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो भी 4K रिकॉर्ड कर पाएगा। तो दोनों ही कैमरास 4K रिकॉर्ड कर पाएंगे। सुपर स्लो मोशन दिया है, ये लगभग 480 FPS का स्लो मोशन है, तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन भी बहुत अच्छा मिल जाता है। फ़ोटो मोड की बात करते तो यहाँ पर आपको सीन ऑप्टिमाइज़र मिल जाता है, जो सीन को अपने आप डिटेक्ट करता है। यहाँ पर आपको लाइव फोकस भी मिल जाएगा, तो लाइव फोकस से बोके इफ़ेक्ट मिलता है फ़ोन के अंदर। कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन से मैंने जो फ़ोटोज़ खींचे हैं वो किस तरह के मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शॉट्स मैंने शेयर किए गए हैं आपके साथ, और आप देख सकते हैं इसके कैमरा क्वालिटी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 में One UI का इंटरफेस देता है। One UI सैमसंग का एक कस्टमाइज इंटरफेस है जो एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है। तो जो One UI है उसका जो वर्जन है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वर्जन है। तो ये है One UI 2.0, ये अपडेट हो सकता है आगे। और साथ में आपको सैमसंग की तरफ से कुछ UI कस्टमाइजेशन और फीचर्स मिल जाते हैं। बात करें इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ऐप्स यहाँ पर पहले से इस फ़ोन में इंस्टॉल आती है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक यहाँ पर एडिशनल दिया गया है, नेटफ्लिक्स है, उसके अलावा YT म्यूज़िक है, YouTube म्यूज़िक है। यहाँ पर आपको और भी ऐप्स मिलती है, स्नैपचैट है, फ़ोनपे है, और एक डेली हंट करके ऐप है यहाँ पर। तो ये सारी कुछ एडिशनल ऐप्स है जिसको आप निकाल सकते हैं। नेटफ्लिक्स को आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप दूसरी ऐप्स है उसको निकाल पाएंगे। ये फेसबुक भी अनइंस्टॉल नहीं होता है, तो ये दो ऐप से अनइंस्टॉल नहीं होती है, लेकिन आपको फ़ोन पे नहीं चाहिए तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। स्नैपचैट को भी आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे यहाँ से। तो ये सारी ऐप्स है जो इस फ़ोन में आपको मिल जाती है। दूसरे फीचर्स की बात करूँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस मिलता है जो आपका म्यूज़िक एक्सपीरियंस और भी बेहतर कर सकता है। उसके अलावा आपको इस फ़ोन में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है, तो ये HD स्ट्रीमिंग के लिए बना है फ़ोन। तो आप नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम में HD स्ट्रीमिंग करेंगे तो ये फ़ोन आराम से सपोर्ट करेगा। फेस अनलॉक भी मिल जाता है आपको इस फ़ोन के अंदर, तो अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ नहीं करना है तो आप फेस अनलॉक से भी फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी F41 आपको देता है सैमसंग एक्सिनस 9611 ऑक्टाकोर CPU, और ये जो CPU है वो लगभग स्नैपड्रैगन 710 के बराबर है। यहाँ पर आपको जो CPU मिलता है वो काफ़ी डिसेंट है। उसके अलावा इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 6GB रैम मिलते हैं, LPDDR4X रैम है इसमें, और आपको जो स्टोरेज मिलता है वो है 64GB और 128GB। दो वेरिएंट्स है स्टोरेज के, यहाँ पर 64GB और 128GB स्टोरेज को आप एक्सपांड कर पाएंगे माइक्रो SD कार्ड के बदौलत। फ़ोन की जो प्राइस शुरू होती है वो है 16,999 रुपये से 64GB वेरिएंट की, और जो 128GB का वेरिएंट है उसकी प्राइस है 17,999 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये ज़्यादा। अब हम बात करें इस फ़ोन के बैटरी की, तो यहाँ पर जो फ़ोन है इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी जो काफ़ी लंबी चलेगी। उसके अलावा ये फ़ोन आपको 15W का चार्जर देता है बॉक्स के अंदर। तो ओवरऑल बात करें इस फ़ोन की, तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, ट्रिपल कैमराज है जिसमें आपको 64MP का मेन कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर कुछ मेन हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए इस फ़ोन के, जो इस प्राइस में कंसीडरेबल है। जो M सीरीज आती है, M21 है उसके अंदर, जो इस फ़ोन के बराबर आता है, उसमें आपको 64MP नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर आपको इस फ़ोन में और भी चीज़ें मैं बताऊं, तो फ़ोन लाइट वेट है, यहाँ पर स्लिम भी है, डिज़ाइन इसकी बहुत अच्छी है,
और इसमें आपको 15 वॉट्स का फास्ट चार्जर मिल जाता है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे आ रहा है तो उसमें आपको ये फ़ोन जो है वो डिस्काउंट दे देगा फ्लैट 3000 रुपीज़ अगर आप बैंक ऑफर इंक्लूड करते हैं तो। तो इस फ़ोन की जो इफेक्टिव प्राइस पड़ेगी आपको वो है 13,999 रुपये इसके बेस मॉडल की। तो यहाँ पर आपको ये फ़ोन जो है वो सीधे 16,999 रुपये से 13,999 रुपये हो जाएगा। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी M41 का अनबॉक्सिंग और फीचर्स ओवरव्यू। आपको फ़ोन कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर, आपको वीडियो भी कैसा लगा वो भी मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।